एक दफा फिर इस एक दफा फिर ये दिन दिखाया है सब दोस्तों को, आप इस मौके पे क्या वेल विशेस हमें देनी चाहिए, लेकिन आप भी कुछ कर देंगे जो ये चाह रहे हो कि इस जैसा दिन हम किसी दिन ये दिन बड़े दिनों के बाद आया है और बड़ा अच्छा दिन अल्लाह ने दिखाया है। लेकिन सबसे पहले ना मैं आप मीडिया के शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप संडे को आए हैं सिर्फ मेरे लिए, मुझे नहीं पता था बोलो मैं इतना हीरो पाकिस्तान में, माशाल्लाह आप लोगों ने मुझे बना दिया। ठीक है, डेफिनेटली आप फैशन इंडस्ट्री के हीरो हैं, बल्कि पाकिस्तान का प्राइड है और दुनिया भर में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, सारा मीडिया और आपका सारा कैरियर सबके सामने है। तो ये कैसे आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया चाहने? ये फैसला मैंने पता है कि जब जिंदगी में ना आदमी ने पूरी दुनिया देखी हो ना तो मैं तो शुरू से पाकिस्तान में रहा हूँ, बाहर रह के पूरी दुनिया में मैं पाकिस्तान का नाम बनाता था, वहाँ की सब चीज़ें मैंने देखी हुई थी। मेरा एक लाइफ जो है ना मुझे सारी ये इस चक्करों में गुजरी है क्योंकि फैशन का काम है, लड़कियों के साथ मेरा काम है। लेकिन आदमी जो है ना एंड जो है ना अपनी लाइफ बड़ी सिंपल और अच्छी अपने मुल्क में अपनी पाकिस्तानी लड़की के साथ गुजारना चाहता है। ठीक है, मेरी वाइफ जो है ना अल्लाह ने मुझे मिलाई है, मुझे नहीं मतलब फैमिली रिश्ता मुझे जैसे करते हैं जो हमारा असूल अरेंज मैरिज कह रहे हैं। प्रपोजल किधर से है पहले आपने किया उधर? अरे प्रेस लव नहीं है, मतलब लव अब शुरू होगा ना इस उम्र की इस में, क्योंकि मैं 25 साल का हो गया था, अगर 26 साल का हो जाऊंगा तो एज हो जाऊंगा। ठीक है ना, इसलिए फिर मैंने कहा अपने आप को जरा फिट भी करूं और सारा तो फिर शादी अब होनी चाहिए और अपने मुल्क में होनी चाहिए। आपने किया सर ये उधर से? जी फैमिली की तरफ से। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मतलब मैं कोई गलत बात किसी का ख़िलाफ़ नहीं करना चाह रहा, पाकिस्तान लड़कियों और यूरोपियन लड़कियों में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान की जो औरत है ना वो आपके लिए जान देती है, अपनी मियाँ के लिए जान देती है, वो सुबह जाता है ना काम करने के लिए उसके लिए दुआएं मांगती है। लेकिन हमारे कल्चर में एक बहुत खराबी कल्चर है मर्दों के लिए, जो अपनी इतनी खूबसूरत औरतें घर पे बैठा के वो खुद बाहर रहते हैं रात को, शुरू में प्यार हो गया उसके बाद कल्ले गप्पे लगा रहे हैं, औरत को रात को खाना बना दो वो कर दो, मेरे वो कल्चर में नहीं है। मेरे कल्चर में ये वाइफ मेरे साथ है, ये सिस्टम प्रोफेसर है, इसने लॉ भी किया हुआ है, लेकिन ये हम आपस में प्रेस में कभी नहीं आएगा, आपके सामने आज आ रहे हैं, उसके बाद कभी मैं इसके साथ कोई टीवी शो नहीं करूँगा। ये अकेली जाए, जो इसने अपने लेक्चर देने हैं, चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ें करेगी, जॉब कभी नहीं छोड़ेगी। ठीक है ना, वो बहुत ज़रूरी है ये अपनी जॉब करे, अपने लेक्चर दे, यूनिवर्सिटीज़ में जाए, लॉ करना है, अपने वकालत जो किसने करना है वो खुद करेगी। ये आदमी को सब आदमियों को मेरी तरफ से मैसेज है अपनी बीवियों को, प्लीज़ आप हमें चाहिए इनके सैलरी भी जो है ना बिल्कुल 50-50 होने चाहिए, औरतों की इज्जत भी वैसे होनी चाहिए जैसे आदमी की इज्जत है। ये ना हो जी आदमी ऊपर है और उसके साथ हम शिद्दत कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, उस मेंटल में मैंने ये बाहर ये चीज़ें मैंने नहीं सीखी। बाहर आदमी खुद अपनी बीवी को ट्रे देता है, फ्लावर देता है, वो बीवी देखा ना कितनी खूबसूरत और खुश होती है। ठीक है ना, अगर आपकी बीवी मेकअप करके अच्छे कपड़े पहन के कहीं जाएगी कोई उसकी तारीफ करेगा तो आपका फ़ख्र होना चाहिए ना। मैं अब नेक्स्ट वीक मैंने पेरिस चले जाना है क्योंकि मेरे बड़े काम है वहाँ पे और दुनिया में मैंने जाना है। अभी ये इधर होगी, लेक्चर देगी, चीज़ें करेगी, जो मर्जी करे। ठीक है ना, हमने शादी की है, जो मर्जी जाए, जो मर्जी इसके फंक्शन है, वो कभी मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक और चीज़ हमने प्रॉमिस किया, हम आपस में मीडिया में कभी नहीं आएंगे। अच्छा, ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ किया हमने, तो भट्टी साहब जो हैं वैसे हमें तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लगी है, आप इनके बारे में बताएं जिंदगी के नए सफर के आगाज। अभी जितना को अरेंज मैरिज के बाद मुझे टाइम मिला है उसमें तो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे हैं, जैसे सारी खूबियां तो इन्होंने भी पहले खुद ही बता दी। तो मेरा ख्याल है कि सारी जितनी भी हमारी पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं उनको तो ऐसे ही मर चाहिए ना, जो उनको इंडिपेंडेंस उनकी वैसी ही रहे, मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं करती रहूँ और उसी तरह ही कॉन्फिडेंट रहूँ जैसे पहले थी। हमारे यहाँ तो डॉक्टर भी बन जाए तो घर बैठ जाती हैं और सारा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में और मुझे लगता है कि ये सारा इनका कमाल है कि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन ये जो
फ्रेंड से इनकी लर्निंग हुई है ना, सही जेंटलमैन वहाँ से बन के आए हैं, वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें ही लेकर आए हैं, और ये मिक्स कल्चर जो है ये मेरे तो बहुत फ़ायदे में है। ज़रूरत नहीं, हाँ मैं इनसे शायद गाइडेंस लूँ मैं इनसे गाइडेंस लेती रहूँगी, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। लेकिन हम मिल के आपस में जो मिल के मतलब जो गरीबों के लिए मैं काम है, सुबह हम दोनों गए हैं दाता साहब वहाँ पर जाके हम देखे देखे आए हैं, क्योंकि वहाँ से मैं शुरू अपनी लाइफ मैंने वहाँ से शुरू की थी, ठीक है ना। तो सुबह जाके देखे हैं, जाने से पहले फिर जाऊँगा जान, क्योंकि मैं हमेशा ना जब पाकिस्तान आता हूँ ना सबसे पहले मैंने दाता साहब जाना होता है, आके जाने वापस जाने के से पहले भी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ वहाँ से गुजारी हुई है। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे मैं लंगर वहाँ पर खाता था, तो रियल लाइफ जो है ना वो अल्लाह मियाँ ने वो हमें दी हुई है। और लड़कियाँ उनके जो ट्रेंड्स हैं वो बेयर करती हैं, कितना गुस्सा आएगा? नहीं नहीं, गुस्सा क्यों आएगा, इतनी एजुकेशन के बाद ये तो सीखा है, ये तो प्रोफेशनल लाइफ में होता है और इनकी प्रोफेशनल लाइफ का मुझे पता भी है ऑब्वियसली। लकी मेरा ख्याल है कि मुझे पहले एज ए ह्यूमन बीइंग इनको देखना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं उसको। उसके बाद ये तो एक एडिशन में एक अच्छी बात है ना कि वो मेरे हस्बैंड एक लिविंग लेजेंड हैं, वो भी हैं, वो तो एक आगे की बात है। ड्रेस आपका जो डिज़ाइन किया है वो बेटी साहब ने किया? नहीं, डिज़ाइन उन्होंने नहीं किया, लेकिन आई थिंक गाइडेंस, हाँ गाइडेंस नहीं बनवाया तो इन्होंने ही यहाँ से कहीं, क्योंकि मेरी फैमिली भी आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो उनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, तो मैं ज़ाहिर है जिस तरह का ईस्टर्न पहनना चाह रही थी, फिर इन्होंने यहीं कहीं से डिज़ाइन करवाया। अच्छा, बेटी साहब एक मशहूर इस्लाम में चार शादियों की मर्द तो आप बताएं इनका जवाब। मैं आपको ये इसको मैं जवाब देते रहता हूँ, मुझे पता है इसके बारे में। इनका मैं देखिए, इन्होंने ना लाहौर से अपना स्टार्ट किया, पाकिस्तान से पूरी दुनिया घूमी, एंड भी इनका आप पाकिस्तान में देख लें, और ये बस यही इनकी लाइफ है, यही इनकी वाइफ है, बस प्रोफेसर है ना। मैं भी कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना चार शादियाँ, एक औरत को रखना बड़ा मुश्किल चीज़ है, चार तीन आदमी कैसे चार को रख लेगा, एक आदमी कैसे चार, एक आदमी एक औरत की पूरी उसको टाइम दे, उसकी इज्जत करे, उसको एलिगेंस करके दिखाए, वो सबसे ज़रूरी है। चार आदमी वो आदमी क्या करेगा उसको। मैंने इनके प्रोग्राम पे टीवी पे मैंने कहा था, इन्होंने मुझे पूछा था, मैंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि अब जो मोहब्बत होगी वो आखिरी होगी, और वहीं पे मैं एंड करूंगा, वहां पे शादी होगी, उसे जीवन साथी चुनूंगा। तो ये इंशाल्लाह मेरी एंड ऑफ लाइफ इनके साथ ही गुजरेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बताइए, आपने कहा मीडिया में अब इकट्ठे नहीं आएंगे, कोई फलाही कामों में तो इकट्ठे जाएंगे आप लोग? नहीं, जो फलाही काम होगा तो डेफिनेट उस पर जाएंगे, जो शाफ्टी काम जो मुझे शौक है उन चीज़ों का ना, तो इससे भी मैं हेल्प लूँगा, कैसे हमने करना है, कैसे चीज़ें करनी है, कैसे लोगों को स्पॉन्सर बच्चों का करना है, यतीम बच्चों को, इधर सारा अल्लाह मियाँ वो मुझसे करवाते रहे बस। तो उस वजह से ना नहीं, पहले भी मैंने किया था, मैं तो इनके सब टीवी प्रोग्राम में मैंने कहा था, मैंने मुल्तान रोड पे यतीम खाने के लिए ज़मीन ली थी, वो पकड़ के किसी और ने अपने नाम पे करवा ली, अल्लाह करे ये अदालतों के जल्दी फैसले हों, वो चक्कर ना लगाते रहें सारी उम्र, मेरी ज़िंदगी में उसका फैसला हो के यतीम खाना बनाएं, वहाँ पर एक मरबरा ज़मीन है, तो गरीब यतीम खाना बना के मैं चले जाऊँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने शादी पे लोगों के मुझे बड़े लोगों के तोहफे और चीज़ें आई हैं, मैंने उनके मुझे जो आपने मुझे देना है ना, जाके यतीम खाने में दे दें आप। मैं भी वैसे बहुत कम जानती थी और मेरी फैमिली को भी इतना नहीं, क्योंकि हमारा फैशन से नहीं है, प्रोफेशन नहीं था इतना, और इतना कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन जब ज़ाहिर है प्रपोज़ल आया और पढ़ा, और फिर इनके इतने प्रोग्राम्स मैंने देखे, वहीं से मुझे, मेरा ख्याल है कि मैं लकी इस लिहाज से हूँ कि एक आम लड़की को प्रपोज़ल आता है, उनको पता नहीं चलता लड़का क्या है, तो मुझे इनको तो। आपने प्रपोज़ल भेजने का फैसला मतलब कब देखा, कहाँ देखा, उसके बाद फिर फैसला कैसे किया आपने? मैंने इनके प्रोग्राम पर गया था, वहाँ पर मैंने सोचा, मैंने कहा अगर शादी करनी है यहीं पे करनी है, अपनी एंड लाइफ मैंने यहीं पे गुजारनी है, फैमिली के थ्रू, कॉमन फैमिली, मेरी अपनी कास्ट बटी है इनकी भी, तो दो बटे कैसे हो गए। इस गेट टू गेट के दौरान भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इनके बारे में, क्या सवाल हुए आपसे?
नहीं पास्ट तो पास्ट होता है, नो मैन इज रिच एनफ टू बाय हिज पास्ट, तो ये जो गुजर गया सो गुजर गया, अब आगे देखेंगे। मैं अगेन आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जो आपने मेरे लिए ये किया है ना, तो आप मेरा दिल आपने इतना बड़ा कर दिया है, अल्लाह मियाँ आपको बहुत तरक्की और बड़ी चीज़ें।